नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह लेसन हमारा मेनली टारगेटेड होता है यूपीएससी वालों के लिए, जिसमें हम दैनिक प्रश्न करते हैं एमसीक्यूज टाइप के, और यह लेसन हमारा पूरा का पूरा हिंदी भाषा में होता है। अगर यही लेसन आपको इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और उस लेसन पर चले जाइए। दोस्तों, और भी बहुत सारे लिंक अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जैसे कि ये वाला, इसके द्वारा आप इस लेसन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं धीरज शर्मा, तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज है 29 मार्च 2019, और जैसा कि मैंने आपको कहा, यह पाठ अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और लिंक विवरण में दिया गया है। फ्रेंड्स, दिस लेसन अवेलेबल इन इंग्लिश ऑल्सो एंड लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही लेंथी सा लग रहा है, लेकिन लेंथी है नहीं, क्योंकि ये जो 11वीं अनुसूची है इसमें कौन कौन से विषय हैं ये आपको पता होना चाहिए, तो आप इस प्रश्न को बड़ी आसानी से कर देंगे। देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। आप कौन कौन से हैं उनके निशान लगा लीजिए। परिवार कल्याण बिल्कुल है, महिला और बाल विकास बिल्कुल है, तीसरा सामाजिक कल्याण बिल्कुल है, चौथा सांस्कृतिक गतिविधियां बिल्कुल है। तो ये चारों के चारों हो गए, तो उत्तर क्या हो गया, सभी के सभी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। देखिए दोस्तों, ये है बहुत सारे मतलब विषय कह सकते हैं जो कि 11वीं अनुसूची में दर्ज है। कौन कौन से हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ये चार जो मैंने इस प्रश्न के अंदर डाल के दिए हैं वैसा का वैसा प्रश्न आ जाए, हो सकता है इनमें से कोई उठा के दे दिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण आवास क्या इस सूची के अंदर है, पेयजल है, सड़क पुलिया है, या फिर कृषि है, तो ऐसा करके पूछ सकते हैं। यूपीएससी कहीं से भी प्रश्न बना सकती है, ऐसा नहीं कि जो मैंने दे दिया वो कब वही आ जाएगा, जो एक्सप्लेनेशन है यानी कि व्याख्या है उस पर भी ध्यान दिया कीजिएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। दोस्तों, ये प्रश्न अजंता गुफाओं से संबंधित है। तो देखिए प्रश्न क्या है, अजंता गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला क्या है, ये गुफाएं रॉक कट मूर्तियों को शामिल करती हैं। तो क्या ये सही है, क्या लग रहा है आपको, क्या सही है? बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरी शताब्दी तक यहां हीनयान मत का प्रभाव था, ये वाला भी सही है। तीसरा देखते हैं, यहां महायान मत का कभी प्रभाव नहीं रहा। दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत है। देखिए उत्तर तो यहीं से आ गया था, 1 और 2। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन तो है नहीं जिसमें 1, 2 और 3 हो, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन में या तो 2 कथन सही दिए हुए हैं या फिर 1 दिया हुआ। तो देखिए उत्तर क्या हो गया, केवल 1 और 2, यानी कि तीसरे वाला हमारा गलत है, बिल्कुल गलत है। तो देखिए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। ये जो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ना, महायान मत से भी प्रभावित हुई, इसीलिए हमारा तीसरे वाला जो कथन है वो गलत था। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न समझ में आ गया, ये है इसकी पूरी की पूरी व्याख्या। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट यानी कि मुख्य पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बड़ा छोटा सा और बड़ा सा सिंपल सा ही प्रश्न है ये। देखिए टेराकोटा क्या है, भट्टे में पकी हुई एक मिट्टी की वस्तु जिसे कहते हैं हम टेराकोटा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। भाई भट्टा तो सभी जानते होंगे ना, ईंट के भट्टे होते हैं, कली के भट्टे होते हैं। तो ये है इसकी छोटी सी व्याख्या। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। पवन की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों 2 कथन है अपने पास और सही कथन पूछा है, तो चलिए बताते हैं। पहला, व्यापारिक पवने, पश्चिमी पवने एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, लू भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय पवन है, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों लू के थपेड़े तो सबने सुने होंगे गर्मी के अंदर, अगर नहीं सुने तो अभी सुन लेंगे, जैसे ही मतलब मई का या जून का महीना आएगा तो खबरों में आएगा कि लू के थपेड़ों से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई, या फिर कुछ ऐसा करके आएगा। तो लू क्या है, गर्म हवा, तो इसलिए ये वाला भी सही है। अब देखिए उत्तर क्या बनता है, 1 और 2, दोनों यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। देखिए दोस्तों ये है इसकी व्याख्या। अब भाई यहाँ से लेके और यहाँ तक एक बार इसको देखिए, उत्तरी भारत में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन जिसे क्या कहते हैं, लू, लू होती है गर्म हवा,
जिसमें मतलब पानी होता ही नहीं है। अब सर्दी के अंदर ऐसी हवा चलती हैं कि वो हमारी स्किन को मतलब उखेड़ के रख देती हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चर होता है। तो वो अलग एक अलग मैटर हो जाता है। यहाँ पे लू की बात चल रही थी, तो लू का मतलब आप सभी जानते हैं, गर्म हवाएं। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, समुद्री जल संचलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, 3 कथन है और पूछा क्या है, सही कथन। तो चलिए देखते हैं सही कथन कौन कौन सा है। समुद्र की सतह पर जल के क्रमिक उतार चढ़ाव को समुद्री धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जी नहीं, गलत हो गया। तो फिर दूसरा, ज्वार समुद्री जल के तालबद्ध उतार चढ़ाव है। क्या ये वाला सही है? बिल्कुल सही है। ज्वार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जरा बताइए कमेंट्स के द्वारा। तीसरा कथन देखते हैं, महासागरीय लहर निश्चित दिशा में समुद्र की सतह पर लगातार बहती पानी की धाराएं हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब देखिए उत्तर क्या बनता है, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये है इसकी व्याख्या। वो ये जो व्याख्या है ना, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। आप इसको एक बार अंग्रेजी भाषा में भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। क्योंकि अगर आपको यहाँ से ये समझ में ना आए, तो वहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये जो व्याख्या है, इसके अंदर 3 प्रश्न बनते हैं। 3 व्याख्याएं, मतलब व्याख्या के अंदर 3 क्या बोलते हैं, परिभाषाएं हैं। तो परिभाषा का मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां से 3 प्रश्न बन सकते हैं, और हो सकता है यूपीएससी यहां से पूछ भी ले। तो एक बार इसको हिंदी में भी देख लीजिए और अंग्रेजी में भी देख लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के पेज पे, फेसबुक के ग्रुप पे। दोस्तों अगर यही लेसन आपको इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी भाषा में देखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। आप जस्ट उस पर क्लिक कीजिए और उस लेसन पे चले जाइए। इस लेसन को पूरा पूरा देखने के लिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।